हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुजराती पात्रा की रेसिपी। फरसान की दुकान पर मिलने वाले रसादार पात्रा आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हो और ये पात्रा खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगता है। तो चलिए ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बाजू में दी गई हुई घंटी यानी कि बेल आइकन को ज़रूर से दबाना ताकि नई नई रेसिपियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैंने यहाँ पे अरबी के 500 ग्राम जितने पान लिए हैं जिसको ये मैंने दो हिस्से किए हैं, यानी कि जो पान छोटे हैं उसको मैंने अलग किया है और जो पान बड़े हैं उसको मैंने अलग किया है ताकि हमें रोल बनाने में आसानी रहे। तो सारे पान मैंने अच्छे से दो से तीन पानी में वॉश कर लिया है और पान को मैंने साफ कपड़े से पोंछ भी लिया है। आप देख सकते हो, ये देखिए। अब हम एक पान लेंगे और उसकी हम स्टेम निकालेंगे। ये बहुत ही डेलिकेट होती है तो ध्यान से हमें स्टेम को निकालना है। ये देखिए इस तरह से, पहले हमें मिडल में से स्टेम को निकालना है और फिर हम साइड से स्टेम को निकाल लेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे करके आपको सारी स्टेम निकाल लेनी है। आपको धीरे धीरे और हल्के हाथों से स्टेम को निकाल लेना है वरना आपका पान ख़राब हो जाएगा। मैं यहाँ पे दूसरा पान भी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमें सारे पान से स्टेम निकाल लेनी है। ये देखिए इस तरह से आसानी से आप स्टेम को निकाल सकते हो। अब सारे पान में से मैंने स्टेम को निकाल लिया है। अब हमें बेलन की मदद से इस तरह से बेल लेना है ताकि जो स्टेम के रेशे होते हैं वो मुँह में ना आए और पात्रा भी हमारा अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट भी बने। ये देखिए, हम जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से हमें स्टेम पर ऐसे बेल लेना है। ये देखिए इस तरह से, है ना एकदम आसान सा। अब मैंने सारे पान की स्टेम को बेल लिया है। अब उस पर हम लगाने का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो बाउल में मैंने यहाँ पे 3 कप जितना बेसन लिया है। मैंने घर की चक्की में पिसा हुआ बेसन लिया है, आप चाहो तो पैकेट का बेसन भी यूज़ कर सकते हो। अब उसमें 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्च डालेंगे। ये मिर्च थोड़ी कम स्पाइसी है। अब 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नींबू का रस और 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 चुटकी हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून जितनी शुगर डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बना लेंगे। पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है वरना बैटर में लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए, हमें इस तरह का बैटर बनाना है, ना ज़्यादा थिक और ना ज़्यादा पतला। इस बैटर में मुझे 1.5 कप जितना पानी लगा है। अब 1 टेबलस्पून जितना हम तेल डालेंगे ताकि बैटर एकदम से स्मूथ और फ्लफी बन जाएगा। अब हमें 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही एक ही दिशा में चलाते रहना है तो बैटर हमारा रेडी है। अब हम सबसे पहले एक पान लेंगे और उस पर हम हाथों की मदद से बैटर को हम इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे पान में हमें बैटर को इस तरह से लगा लेना है। अब हम दूसरा पान उसकी ऑपोजिट साइड यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लगाएंगे और उस पर हम ऐसे ही बैटर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पूरे पान में बैटर लगाना है। इस प्रोसेस को हमें 4 से 5 बार करनी है। अब हम एक साइड को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उस पर हम थोड़ा सा बैटर लगा लेंगे।
और हम सामने की साइड भी इस तरह से फोल्ड करके उस पर भी हम बैटर लगाएंगे। अब ऊपर का जो हिस्सा है उस पर भी हम इस तरह से फोल्ड करके बैटर लगा देंगे। अब नीचे का जो हिस्सा है उस पर भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और बैटर लगा देंगे ताकि पान हमारा खुले नहीं। इस तरह से हमें चारों ओर फोल्ड कर लेना है और धीरे धीरे इस तरह से हमें रोल बना लेना है। रोल बनाते टाइम थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से लगाते रहना है ताकि रोल अच्छे से फोल्ड हो जाए और वो खुले नहीं। तो ये देखिए रोल हमारा एकदम परफेक्ट बना है। तो आपको मैं फिर से एक बार ये प्रोसेस करके दिखाती हूँ। इस तरह से हमें दूसरे पान के रोल भी तैयार कर लेने हैं। जो प्रोसेस हमने पहले किया था उसी तरह से हमें करना है। पान के ऊपर पान रखना है और बैटर लगाते जाना है और हमें इस तरह से रोल बनाने लेने हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमें सारे पान के रोल तैयार कर लेने हैं। तो सारे रोल हमारे रेडी है और मैंने पहले से ही स्टीमर को गर्म करने को रख दिया था। अब सारे रोल हम स्टेप बाय स्टेप स्टीमर में रखते जाएंगे। ये देखिए हम सारे रोल इस तरह से सेट कर लेते हैं। ये देखिए तो सारे रोल स्टीमर में मैंने रख दिए हैं। अब हमें इसे कम से कम 30 से 35 मिनट तक गैस की मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें स्टीम कर लेना है। बीच बीच में आप पानी चेक कर सकते हो कि स्टीमर में पानी कम तो नहीं हुआ ना। तो ये देखिए हमें कम से कम 30 से 35 मिनट तक इसे स्टीम कर लेना है। तो 30 मिनट हो चुकी है, अब चेक कर लेते हैं। नाइफ़ की मदद से हमें इस तरह से पात्रा को चेक कर लेना है कि वो पके हैं कि नहीं। अगर आपकी नाइफ़ एकदम क्लीन निकले तो आपके पात्रे अच्छे से पक चुके हैं। अब हमें पात्रा के रोल को रूम टेम्परेचर पर आए इतना ठंडा कर लेना है। बाद में हमें इसके पीसेस करने हैं। गरम गरम में पीस करेंगे तो वो रोल खुल जाएंगे। तो ध्यान रहे इस बात का, हमें गरम गरम पात्रे के पीसेस नहीं करने हैं। तो पात्रा हमारे एकदम परफेक्ट बने हैं। ये बिना तड़के के भी आप खा सकते हो, ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं। सारे पात्रा मैंने कट कर लिए हैं। अब हम इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में 1/3 कप जितना तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही उसमें 1 टेबलस्पून जितनी राई डालेंगे। राई चटकते ही 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे। मैंने यहाँ ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं यूज़ की है और इसे हम अच्छे से सौते कर लेंगे। मैंने यहाँ हरी मिर्च के इस तरह से लंबे टुकड़े किए हैं। अब 10 से 12 करी पत्ते डालेंगे और हरी मिर्च और करी पत्ते को हम अच्छे से सौते कर लेंगे। अब 2 टेबलस्पून जितना सफ़ेद तेल डालेंगे और इसे हम अच्छे से सौते कर लेते हैं। तड़का हमारा अच्छे से सोते हो जाए तब हम उसमें 1 कप जितना पानी डालेंगे और पानी में तड़का अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखनी है। अब 2 टेबलस्पून जितनी शुगर डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। अगर आप बैटर में और तड़के में गुड़ का यूज़ करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। चीनी अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए, बाद में हम 2 टीस्पून जितनी इमली का पल्प डालेंगे। अगर आप इमली की जगह पे नींबू का रस भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। हमें यहाँ पानी के हिसाब से ही नमक डालना है क्योंकि पात्रा के बैटर में भी हमने नमक डाला हुआ है, ये बात का ध्यान रहे। अब 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालेंगे। इसमें हमें पहले डालना था मगर मैं भूल गई हूँ, तो कोई बात नहीं। अब 1 से 2 मिनट तक हम पानी को हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे।
अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर लेंगे और हमने जो पात्रा के पीसेस किए थे वो ऐड करेंगे। धीरे धीरे करके हमें सारे पात्रा के पीस ऐड कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें सारे पात्रा के पीस ऐड करने के बाद हमें तड़के में पात्रा को अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। इसे हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाना है ताकि जो पात्रा है वो हमारा सारा तड़का एब्सॉर्ब कर ले। तो आप देख सकते हो कि सारा तड़का पात्रा में एब्जॉर्ब हो चुका है। अब उस पर हम फ्रेश बारीक कट किया हुआ धनिया डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और गैस को हम बंद कर लेंगे। तो रेडी है हमारा फरसान की दुकान पे मिलने वाला रसादार पात्रा। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखते ही खाने का मन हो जाए, ऐसे एकदम स्मूथ और सॉफ्ट पात्रा बनकर रेडी है। अब उस पर हम हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ ड्राई कोकोनट डालते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है, तो बारिश की सीज़न में ये अरबी के पान आसानी से मिल जाते हैं और गर्मा गर्म पात्रा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर से ट्राई करना। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी ही नई रेसिपी के लिए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।